जानना चाह रहे थे कि मोदी जी ने जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा प्रारंभ किया है, इस बारे में आप साधु संतों की क्या राय है? सीताराम, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जो जनकपुर धाम से अयोध्या तक के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है, यह हम संत सुसंत लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ था और सीता जी जनकपुर धाम की ही रहने वाली थी, इसलिए साधु संतों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अयोध्या से जनकपुर तक जाने के लिए एक अच्छा साधन साधु संतों के लिए मिल गया है। अभी तक रेल के माध्यम से जाना पड़ता था तो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था, अदल बदल के गाड़ियाँ जाना पड़ता था, अब सीधा अयोध्या से जनकपुर धाम जा करके जो ये बस सेवा शुरू की गई है, इसका हम साधु संत लोग सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या आप जनकपुर जाने के इच्छुक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही मौका लगेगा सबसे पहले जनकपुर बस से बैठ के हम ही लोग जाएंगे। जानना चाह रहे थे कि मोदी जी ने जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा प्रारंभ किया है, संत समाज इसका स्वागत करता है? स्वागत करता है। जनकपुर और अयोध्या दोनों मिल गए, सीतामढ़ी में किशोरी जी का जन्म हुआ था और अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, दोनों का संबंध है, तो इसलिए मोदी जी ने अच्छा उस दिन चले गए। महाराज जी, ये बताइए कि जनकपुर यात्रा अगर आपको भविष्य में मिलता है यात्रा करने के लिए, तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करेंगे। राम जी का जन्म अयोध्या, सीता जी का जन्म वहाँ सीतामढ़ी, और जनकपुर नेपाल में पड़ता है, और सीता माता जी जन्मे थे यहाँ। पहले तो एक ही राज था पूरा मिथिलांचल, मैंने सरजुग के उस पार से मिथिलांचले पड़ता था, इधर अवध होता था, तो बीच में राज अलग अलग हो गया, बिहार और नेपाल पहले एक के था। तो अब नेपाल में सीता जी जहाँ शादी हुआ था वहाँ नेपाल पड़ गया, और किशोर जी जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पुनौरा धाम बोलता है, और बहुत बड़ा मंदिर बना है सीता जी का। तो भविष्य में बहुत अच्छा हुआ, जो संत जाने चाहते हैं अर्थात वहाँ जनकपुर से यहाँ आने चाहते हैं तो आप आते हैं और जाते हैं। ये संत समाज के लिए मोदी जी, योगी जी संत हैं, और संत को तो भगवान राम जी और किशोरीय जी, और तो कोई है ही नहीं, हमारा तो राम और किशोरी दोनों हैं, सीता और राम, तो सीता जी का संबंध और राम जी का संबंध दोनों को जोड़ दिया मोदी जी और योगी जी, ये बहुत अच्छा हुआ, आगे भी ठीक रहेगा। चाह रहे थे कि मोदी जी ने जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा प्रारंभ की है, आप संत समाज की क्या राय है? देखिए, जो काम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो किया है, वास्तव में सराहनीय काम है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जनकपुर को अयोध्या से जोड़ दिया, यह बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तमाम लोग अयोध्या के जनकपुर जाना चाहते हैं दर्शन के लिए, और जनकपुर से तमाम लोग अयोध्या दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो ये जो बीच में आने जाने का आवागमन में जो व्याधा बन रही थी वो अब सब दूर हो गई है, और माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों द्वारा जो ये कार्य हुआ वह वास्तव में सराहनीय है, इसलिए संत समाज काफ़ी इससे प्रसन्न है। इसी को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आकर स्वयं स्वागत किया, और सभी यात्रियों का जो बस आया था उसका, तो इसलिए ये बहुत धर्मनगरी के लिए बहुत अच्छी बात है, और इससे विकास ही होगा समाज का। क्या आप इस बस से जनकपुर जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी जाएंगे जनकपुर जाकर और माता जी के नगरी का दर्शन करेंगे। जानना चाह रहे थे कि मोदी जी ने जनकपुर से अयोध्या के लिए बस यात्रा जो चालू किया है, उसमें क्या संत समाज इससे प्रसन्न है? देखिए, माननीय मोदी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और इनका दोबारे का प्रयास सफल रहा, एक बार तो काठमांडू गए
तो व्यवस्था बनी नहीं, लेकिन दोबारे श्री किशोरी जी के महारानी जी के शरण में गए तो बात संतोषजनक रही। संतों को प्रसन्नता यह है कि यहाँ के जो योगी जी हैं देवी संत हैं, संप्रदायवाद जातिवाद और व्यवहारवाद क्षेत्रवाद चलता है तो हम कहते हैं साधुवाद भी क्यों न रहे। अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के चूंकि मुख्यमंत्री योगी जी हैं साधु हैं, इसलिए हम लोगों को विशेष प्रसन्नता है कि संतों का जो मेन स्तंभ है अयोध्या और जनकपुर में मेन स्तंभ है जनकपुर, तो किशोरी जी और श्री राम जी का संबंध कोई आज का नया संबंध नहीं है, ये अनादि संबंध है, शाश्वत संबंध है। उस संबंध को जो बारात के रूप में यहाँ से जाती थी यात्रा, उसमें जो कमियाँ रह गई थी, जाने आने में जो दिक्कतें होती थी, उनको सारी दिक्कत को पटाक्षेप करके ये प्रशस्त मार्ग जो कर दिए, ये प्रसन्नता का विषय है सभी संतों के लिए, भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए और पूरे देश के लिए। जोड़ना ये अच्छी बात है, तोड़ना खराब बात है। आप इस बस से यात्रा करेंगे? तो इस बस से यात्रा करने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार अयोध्या से जनकपुर इस बस से यात्रा करेंगे और उसमें अपने सभी इष्ट मित्रों को ही प्रेरित करेंगे कि अयोध्या से सीधे जनकपुर तक इसी बस के द्वारा जाएं और वहां भी दर्शन लाभ लें। ये प्रसन्नता का विषय है। आज उसका बस जो आई है उसको वहां तक मैं भी गया था, बस तो देखा और बस देखने की मेरी जो है इच्छा थी। ठीक लगा अयोध्या और नेपाल का, अयोध्या और जनकपुर का शाश्वत जो संबंध था उसको जोड़ने का, बीच में जो खाई और कमियां रह गई थी, मार्ग दुर्व्यवस्थाएं थी, ये मार्ग प्रशस्त हो और बस अनवरत चले, इसमें बहुत से भक्तों को डायरेक्ट लाभ होगा। जो जगह जगह बसों से बदलना पड़ता था, ट्रेनें बदलनी पड़ती थी, उससे एक तारतम्य माला की भांति यहाँ से जनकपुर और अयोध्या का जो शाश्वत संबंध है वो कायम रहेगा, ये प्रसन्नता का विषय है। मोदी जी को भी धन्यवाद और योगी जी को भी धन्यवाद इस बात के लिए मैं देता हूँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। ये संत मत के अनुसार और साधु मत के अनुसार धन्यवाद के पात्र हैं। जय सियाराम। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि मोदी जी ने जनकपुर से अयोध्या के लिए जो बस शुरुआत किया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये बस और इससे बुढ़ावा मध्य पहला काम उन्होंने राम मंदिर के लिए वादा किया था जनता से कि मैं सत्ता में आऊँगा पहले राम मंदिर बनाऊँगा, पहले सारे भारत के हिंदू मात्र को जो श्रद्धा है राम के प्रति वो राम मंदिर बनाने का काम करें। बस योगी मोदी जी और योगी चला दिया, दूसरी सरकार को आया कि बस खत्म भी कर सकता है, इसलिए पहला काम मोदी जी और योगी जी राम मंदिर के काम करें, मंदिर बनावे, इससे सारे हिंदू समाज प्रसन्न रहेगा और साधु समाज योगी जी चूंकि संत हैं उनको भी भगवान के प्रति आस्था है, प्रेम है, इसलिए वो मंदिर बनाने का पहला काम करें। बस तो चलता रहेगा, आता जाता रहेगा, इसलिए हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं योगी जी को, मोदी जी को, इन्होंने जो बस चला दिया, लेकिन सबसे पहला काम मंदिर काम करें, ये बस से भुलावा हिंदू जनता को मत दे, मंदिर बनावे। जय श्री राम। मैं क्या है, रघुनाथ देसी। किस मंदिर से आप हैं? श्री पीठम चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट रामपुर अयोध्या। महाराज जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि मोदी सरकार ने जनकपुर से अयोध्या के लिए बस यात्रा प्रारंभ की है, आपका संत समाज इसमें क्या कहता है? ये ऐतिहासिक यात्रा है और मोदी जी ने जो किया बहुत सोच समझ करके ये काम पूर्व सरकारों से होनी थी, नहीं हो पाया, लोग नहीं कर पाए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने
धार्मिक ताकतों देखते हुए, दोनों देशों के सरिदायता को देखते हुए जो आवश्यक कदम था इन्होंने करके दिखाया है। ये स्वागत योग्य काम किया है इन्होंने, सभी को सराहना चाहिए। क्या आप जो है अयोध्या से जनकपुर की यात्रा करना इस बस से चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम आगे उम्मीद कर शीघ्र हम करने वाले। और आप मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं अयोध्या के लिए? मोदी जी से सब उम्मीद है, उम्मीद के किरण के स्तंभ हैं वो, उनके एक एक रोम जो है उम्मीदों से भरी पड़ी हुई है। वो निराशवाद नहीं है, आशावाद में जीने वाले हैं और उत्साह हिम्मत वाले हैं। इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें, हम सब संत समाज उनको आशीर्वाद सहित उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जन्मभूमि की तो राम जन्मभूमि यथाशीघ्र बननी चाहिए, सरकार को इसमें किसी प्रकार से बिना भेदभाव के बिना विचार किए ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है, राज्य से लेकर के केंद्र तक और अन्य जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र हैं सब अनुकूल हैं। इस अनुकूलता में यदि नहीं करते हैं तो भविष्य इनके लिए बहुत उज्जवल नहीं है, ऐसा सभी लोगों का मानना है, अवधारणा है। तो हम समझते हैं कि योगी जी मोदी जी अंतरंग बैठक करके जरूर विचार कर रहे होंगे इस कार्यक्रम को यथाशीघ्र जनमानस तक पहुँचा करके, दिग्दर्शन करा करके, अनुभव कराने का काम यथाशीघ्र करेंगे। और राम जन्मभूमि जब तक बनेगा नहीं तब तक भविष्य किसी का भी उज्जवल नहीं है, ऐसा हमको प्रतीत होता है।